दूसरा अध्याय। श्री गणेशाय नमः। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। विनियोग। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णिक छंद, शाकंबरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इनका विनियोग है। ध्यान। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती लक्ष्मी जी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, वाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खंग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम और उनकी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवन, महिषासुर सूर्य, इंद्र अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है और उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उनके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गईं और मुख टेढ़ा हो गया। अब अत्यंत कोप से भरे हुए चक्रपाणि श्री विष्णु जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि अनन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वे सब मिलकर एक हो गए। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थीं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां हुईं, पशुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अनन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष और बाण से भरे 2 तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। एरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक काक्ष की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी।
क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार और कभी जीर्ण न होने वाले दो दिव्य वस्त्र आभूषण भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, दो कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दीं। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया, साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी ने कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धना अध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया और संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागाहार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर में गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र भी कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आ यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी और वे अपने धनुष की टंकार से सातों पतालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्दासित होने लगीं। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरांगणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदर्ग नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1,00,000 रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नाम का महादैत्य 5,00,000 रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60,00,000 रथियों से घिरा हुआ वाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1,00,000,000 रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5,000,000,000 रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे तथा वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर
गर्दन के बालों को झटकता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावनल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल हजारों सैकड़ों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, बिंदीपाल, खंग, पट्टेश आदि शस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गईं। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने पर पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों के ही देवी ने एक बाँह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंद बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खंग और शक्ति और सृष्टि लिए दौड़ते थे और दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसे पट गई थी कि वहाँ पर चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगीं। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण ही चुने लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उस महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सार्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में महिषासुर की सेना का वध नामक यह दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल देवी मैया की जय। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।